हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज मैं दिखाने जा रही हूँ आपको एक महाराष्ट्रियन लोक। इस मेकअप को आप कभी भी किसी भी उत्सव में कर सकते हैं। जैसे इस समय गणेश उत्सव चल रहा है, शादी, रिसेप्शन, कभी भी कर सकते हैं। और ये मेकअप करना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले मैंने अपनी मॉडल का CTM किया है। CTM करना बहुत ज़रूरी है। जब CTM होगा तभी हमारी स्किन क्लीन होगी। स्किन क्लीन होगी तभी हमें क्लीन मेकअप कर सकते हैं। अगर हमने CTM नहीं किया तो हमारा मेकअप पेची आएगा, और पेची मेकअप सामने से कभी अच्छा लुक नहीं देता है। इसलिए सबसे पहले हम CTM करेंगे। CTM के बाद मैंने अपने मॉडल को प्राइमर लगाया है। प्राइमर लगाने के बाद 5 मिनट स्पेस दिया, उसके बाद मैंने आई मेकअप स्टार्ट किया है। आपने मेरे और भी वीडियो हैं उसमें देखा होगा कि मैं हमेशा आई मेकअप से अपना मेकअप स्टार्ट करती हूँ। मेरा मानना है कि आई मेकअप करने के बाद जब हम बेस करते हैं ना, तो कभी भी बेस डिस्टर्ब नहीं होता और मेकअप पूरा क्लियर दिखता है, एकदम क्लियर दिखता है। और आसान भी है, जब आप आई मेकअप कर चुके होते हैं उसके बाद जब आप बेस स्टार्ट करते हैं तो बेस एकदम क्लियर आता है। तो आज मैं चूँकि मैट मेकअप कर रही हूँ तो मैंने 3 कलर का यूज़ किया है, येलो, ग्रीन और ब्लू। फर्स्ट में मैंने येलो कलर डाला है, देन सेकंड में मैंने ग्रीन कलर, और लास्ट कॉर्नर पे मैंने डाला है आउटर कॉर्नर पे ब्लू कलर। आउटर कॉर्नर पे हमेशा डार्क कलर का यूज़ करना है। इन तीनों कलर के साथ मैंने सिल्वर हाइलाइटिंग कलर यूज़ किया है जो इनर कॉर्नर पे डाला है। इसके बाद मैंने आईब्रो डिफाइन किया और आईलैशेस। इस तरह से मेरा आई मेकअप लगभग कंप्लीट है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही इजी तरीके से मैंने ब्लू, ग्रीन और येलो कलर के साथ आई मेकअप को कंप्लीट किया। दोस्तों, आईलैशेस डालते समय गम का बहुत ख्याल रखना है। गम अगर प्रॉपर लगा होगा ना तभी आईलैशेस हमारी स्टे करेगी और प्रॉपर तरीके से लगेगी। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ बेस मेकअप। मेरी मॉडल का कलर थोड़ा सा डार्क है पर स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं डार्क फाउंडेशन के साथ मेकअप स्टार्ट कर सकती हूँ। मैंने सबसे पहले डार्क फाउंडेशन लिया है, देन मैंने फेस कटिंग किया है और लाइट फाउंडेशन के साथ मैंने बेस को कंप्लीट किया है। बहुत ज़्यादा फाउंडेशन भी यूज़ नहीं किया मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है। स्किन कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें बहुत सारे लेयर्स नहीं डालने चाहिए। लेयर्स जितने कम होंगे मेकअप उतना ही रियल दिखेगा। आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है, फेस कटिंग बहुत अच्छे से करनी है, बट प्रोडक्ट आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना। प्रोडक्ट ज़्यादा जितना होगा मेकअप एक टाइम के बाद ना लाइनिंग दिखेंगे जो कि सामने से बहुत ही गंदा लगता है। इसलिए हमें प्रोडक्ट कम यूज़ करना है, ब्लेंडिंग ज़्यादा टाइम तक करनी है, जिससे हमारा जितनी ब्लेंडिंग करेंगे ना उतना ही हमारा मेकअप नेचुरल दिखेगा। मेरा अगला वीडियो बेस के बारे में होगा, जिसमें डिटेल से मैं बताऊंगी कि कम प्रोडक्ट के साथ हम बेस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं विथ कंटूरिंग के साथ। तो अगला वीडियो मेरा प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बेस बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ और आपको अच्छा भी लगेगा। आपने मेरे वीडियो पिछला वाला जो पसंद किया, जो हेयर कट का था ना, आपने बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरा बेस लगभग कम्प्लीट, जिससे मैंने प्राइमर, फाउंडेशन, जेल पाउडर, ब्लशर और हाइलाइटर के साथ कंप्लीट किया है। अब हम आ गए लिपस्टिक पे। लिपस्टिक लगाते समय आउटलाइन बहुत प्रॉपर लगाना चाहिए, इससे लिप्स सेव आता है और जो लिप्स से रिलेटिव प्रॉब्लम्स है वो ठीक होती है। मतलब अगर लिप्स मोटा है तो आप उसको कवर कर सकते हैं, और अगर आप लिप्स पतला है तो उसको बढ़ा सकते हैं, जो कि फेस के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर होना चाहिए, तभी आपका मेकअप एक प्रॉपर मेकअप दिखेगा, सही मेकअप दिखेगा। अगर लिप्स का आपने ध्यान नहीं रखा तो आपके मेकअप में कहीं ना कहीं कमी दिखती रहेगी। अब हम अपनी मॉडल को बिंदी, ज्वेली, हेयर स्टाइल और साड़ी के साथ महाराष्ट्रियन मेकअप को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया।